वेलकम टू द पार्ट वन ऑफ ब्लेंडर बिगिनर सीरीज। इस सीरीज में हम यूजर इंटरफेस और एडिटिंग के बारे में समझेंगे। ये व्यू आपको दिख रहा होगा, इसे हम 3D व्यू बोलेंगे। मैक्सिमम काम हमारा इसी व्यू में होगा। साइड पर आपको कुछ टूल बॉक्स दिख रहा होगा, इस साइड पर आपको प्रॉपर्टी बार दिखेगा। नीचे आपको एक एनिमेशन टाइमलाइन दिखेगी जो कि क्लोज सिमुलेशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ऊपर आपको एक वर्क स्पेस दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंटिंग, सबका अपना अपना यूज है जो कि हम आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। शेडिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, यहाँ से आप अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो। आ जाते हैं लेआउट पर। यहाँ पर आपको चार सर्कल दिखेंगे। इसमें पहला है वायर फ्रेम मोड। इस मोड में जो है ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब आप इसका पीछे का हिस्सा भी देख सकते हो यहाँ से। इसमें दूसरा है सॉलिड मोड जो कि मॉडलिंग में काम लगेगा। तीसरा है मटेरियल प्रीव्यू मोड जो कि टेक्सचर प्रीव्यू करने में काम आएगा। और फाइनली चौथा है रेंडर मोड जो कि फाइनल इमेज क्रिएट करके देगा। यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स दिखेगा जिसको अगर मैं ड्रैग करूँ तो आपको एक नाम कुछ नाम दिखेंगे, जिसमें पहला है मूव, रोटेट और इसके लिए तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, फॉर एग्जांपल इसको मुझे मूव करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ तीन एरो दिखेंगी जिसमें ग्रीन कलर है वाई एक्सिस, रेड है एक्स एक्सिस और ब्लू है जेड एक्सिस। अगर आपको वाई एक्सिस पर मूव करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, सिमिलरली एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। आपको अगर फ्रीली मूव करना हो तो आप यहाँ वाइट लाइन से कर सकते हो। इसमें दूसरा है रोटेट जो कि नाम से आपको पता चल रहा होगा। इसमें एक्स एक्सिस पर रोटेट करना हो तो आप रेड लाइन से कर सकते हो, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। फ्रीली रोटेट करना हो तो वाइट लाइन। तीसरा है स्केल। स्केल से आप इसकी साइज बड़ी छोटी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वाई एक्सिस पर एक चेंज करनी हो साइज, तो आप यहाँ से कर सकते हो, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। आपको फुल साइज अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये तीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी शॉर्टकट की है मूव की शॉर्टकट की है जी, रोटेट की आर और स्केल की एस। ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी होगी, ये हम आगे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। वैसे शॉर्टकट की मैंने एक PDF फाइल बनाई है जो कि आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और उसे याद कर सकते हो। वैसे ये कंटेंट तो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, हम तो नए से स्टार्ट करेंगे। तो हम फाइल पर जाएंगे, यहाँ से न्यू लेंगे और यहाँ से जनरल। आप देख सकते हो ये एक डिफ़ॉल्ट व्यू है ब्लेंडर का। जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करोगे आपको ये व्यू सामने आएगा। वैसे मेरे पास 2.93 वर्ज़न है, आप चाहो तो प्रीवियस वर्ज़न भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2.9 डाउनलोड करें या उसके ऊपर का वर्ज़न, क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट है। तो आप देख सकते हो कि तीन ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक लैम्प है, क्यूब है और एक कैमरा है। ये डिफ़ॉल्ट है। आप यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसके नाम क्यूब। आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो ये क्यूब सिलेक्ट होगा, यहाँ से लाइट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से लाइट होगा और यह है कैमरा। तो फिलहाल हम ऑब्जेक्ट मोड पर है, इसे एडिट करने के लिए हमें एडिट मोड पर जाना पड़ेगा जो कि आप यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही हम एडिट मोड पर जाएंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। इसे मैं ड्रैग करूँगा, आप नाम पढ़ सकते हो। इस ऑप्शंस के ज़रिए हम इसे एडिट कर सकेंगे। आपको जूम करना हो तो आप व्हील से जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट। आपको 3D व्यू देखना हो तो मिडल बटन प्रेस करके आप ये मूव कर सकते हो इसे। इसे मैं जो भी की प्रेस करूँगा आपको यहाँ दिखाई देगा। आपको कुछ ये पॉइंट्स दिखेंगे जिससे हम वर्टेक्स बोलेंगे, ये लाइन दिखेंगी जिसे हम एज बोलेंगे और ये पूरे प्लेन को हम फेस बोलेंगे, जो कि आपको यहाँ तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे। फिलहाल हम वर्टेक्स मोड पर है तो ये वर्टेक्स ही सिलेक्ट करेगा। हमें अगर एज सिलेक्ट करना हो तो हमें ये यहाँ जाना पड़ेगा, तो अब हम एज सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा एज सिलेक्ट करना हो तो आपको शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा फेस सिलेक्ट हो गया है, और पूरा फेस अगर सिलेक्ट करना हो डायरेक्टली तो आप यहाँ से कर सकते हो ऐसा। अच्छा ये तो हो गया क्यूब। अभी हमें दूसरा ऑब्जेक्ट अगर ऐड करना हो या इसे डिलीट करना हो तो पहले ऑब्जेक्ट मोड पर जाएंगे, एक्स प्रेस करेंगे और ये डिलीट।
अभी हमें दूसरा ऑब्जेक्ट अगर ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं ऐड। यहाँ पर आप जाएंगे मैश, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, सिलेंडर है, कॉन है, स्फेयर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्फेयर लूँ तो ये स्फेयर ऐड हो जाएगा। अब इसे हमें अगर एडिट करना हो तो आप टैब प्रेस करके एडिट मोड पर जा सकते हो। शॉर्टकट शॉर्टकट की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ग्राफिक्स व्यू। आप नंबर पैड पर 1 प्रेस करोगे तो ये साइड व्यू बताएगा, पूरा एग्जैक्टली साइड का व्यू। 3 प्रेस करोगे तो अभी साइड व्यू बताएगा। 7 प्रेस करोगे तो आपको टॉप व्यू दिखेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग में काफ़ी काम लगेगा ये। अच्छा, इसमें जो ये पॉइंट है इसे वर्टेक्स बोलेंगे, जैसा कि मैंने कहा था। तो आप यहाँ से इसे अलग अलग शेप दे सकते हो जैसा आपको देना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ और इसे मैं जी प्रेस करके मूव करूं तो आप देख सकते हो ये। अच्छा, इसे मुझे अगर एक्सटेंड करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की है ई। अगर मैं ई प्रेस करूँगा तो ये देखिए एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, ई प्रेस करने के बाद अगर मैं वाई प्रेस करूँगा तो सिर्फ वाई एक्सिस पर ही एक्सटेंड होगा। सिमिलरली एक्स प्रेस करूँगा तो ये एक्स एक्सिस पर ही जो है कि मूव होगा। ये काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं, ये आप खुद से भी सीख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। ए प्रेस करोगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, ऑल्ट ए प्रेस करोगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये वायर फ्रेम मोड है। वायर फ्रेम मोड में एडवांटेज ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पूरा नीचे का हिस्सा अगर आपको सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 प्रेस करोगे तो साइड व्यू दिखेगा। अब आप पूरा सिलेक्ट करोगे तो ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो जाएगा नीचे का हिस्सा। अगर हम सॉलिड मोड पर होते तो ये पूरा हिस्सा सिलेक्ट नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये करूँ तो ये देखिए सिर्फ यही हिस्सा सिलेक्ट हुआ, पीछे का नहीं हुआ। तो ये वायर फ्रेम मोड में ये एक बेनिफिट है जो कि चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अगर हमें आधा हिस्सा इसका डिलीट करना हो ऊपर का, तो ऑल्ट ए से पहले डी सिलेक्ट करेंगे और बी प्रेस करेंगे सिलेक्शन के लिए। तो ऊपर का हिस्सा सिलेक्ट करेंगे जितना भी हमें डिलीट करना हो और एक्स प्रेस करेंगे डिलीट के लिए। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आया है। वैसे आपके पास 3 ऑप्शन है, वर्टाइसिस, एज और फेस। इस केस में हम फेस डिलीट करेंगे। अगर हम वर्टाइसिस डिलीट करते तो ये डॉट से कनेक्टेड जो लाइन थी वो भी डिलीट हो जाती है। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड पर जाएंगे और सॉलिड व्यू लेंगे। वैसे सॉलिड मोड पर जाने के लिए शॉर्टकट की है जेड, आपको चारों मोड बता देगा, आप जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हो। सॉलिड तो आप देख सकते हो एक बॉल का शेप बन गया है। तो इसी तरह से हम चीज़ों को एडिट करेंगे, शेप देंगे। काफ़ी चीज़ें मैंने हो सकता है कवर न की हो, लेकिन ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, आप आगे के वीडियो देखोगे तो अपने आप पता चलता जाएगा। तो इसी के साथ हम पार्ट 1 फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम मॉडलिंग स्टार्ट कर देंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।